हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे डीपी वायर्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। आइए जानते हैं कैसे रिजल्ट। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें या रिव्यू करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, डीपी वायर का आज का रेट था 591 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 625 रुपीज़। शेयर ने अच्छी तेजी बनाई थी और आशा थी कि क्वार्टर वन का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आइए जानते हैं कैसा आया है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, तो जून 22 में रेवेन्यू था 200 करोड़, मार्च 23 में बढ़कर हो गया था 387 करोड़, और अभी जून 23 में रेवेन्यू आया है 266 करोड़। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है रेवेन्यू में। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो जून 22 में नेट प्रॉफिट था 8 करोड़, मार्च 23 में बढ़कर हो गया था 15 करोड़, और अभी जून 23 में प्रॉफिट आया है 11 करोड़। ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट बढ़ा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते हुए दिखा है। तो ओवरऑल डीपी वायर्स का जो रिजल्ट है एवरेज ही कहा जाएगा, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा। थोड़ा शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि शेयर बहुत भाग चुका है, और अभी प्रॉफिट में देखा जाए तो 8 करोड़ 15 करोड़ 11 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट घटते हुए दिखा है, सॉरी बढ़ते हुए दिखा है, बट क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो डीपी वायर्स में थोड़ा सा हमें स्लोनेस ही देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि रिजल्ट एवरेज आए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।